कासगंज तीर्थ की मांग को लेकर साधु संत भी उतरे समर्थन में। तीर्थ की मांग को लेकर साधु संत समाज अखंड आर्यावर्त के साथ अनशन पर साधु संत भी सरकार को कोसते नजर आए। कहां है सबका साथ सबका विकास? विदेहानंद गिरी महाराज ने योगी सरकार से कहा, सरकारी सूची में शामिल हो सोरो तीर्थ। विदेहानंद गिरी महाराज ने कहा, जल्द तीर्थ नगरी घोषित नहीं की तो सोरो का साधु संत समाज होगा सड़कों पर। अखंड आर्यावर्त के समर्थन में पूरा तीर्थ नगरी सोरो। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांधी पार्क में चल रहा है आमरण अनशन। सोनू दुबे की रिपोर्ट। मैं राधा कृष्ण बोल रहा हूँ। राधा कृष्ण, 3 दिन से तीर्थवासियों का आमरण अनशन चल रहा है। आज साधु महात्मा भी महाराज जी जो आए हैं, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार से यही हमारी वो है, निवेदन है कि जो हमारी साधारण सी मांग है, तीर्थ स्थल हमारा सतयुग से है और आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन इसको सरकारी सूची में लाने के लिए हम प्यासरत हैं। सरकार से जो सुविधा, सरकारी सुविधा चाहिए हमको, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो अभी हम सरकार के साथ हैं, फिर हम सरकार के खिलाफ होंगे। सरकार जो खामियाजा होगा उसका, उसकी जिम्मेदार ये सरकारी लोग होंगे, उसके लिए फिर हमारी नहीं है। हम तो अपने हक मांगने के लिए बैठे हुए हैं। महाराज जी, जो तीर्थ स्थल को लेकर यहाँ 3 दिन से आमरण अनशन चल रहा है, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि 12 भगवान जो है ना, भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार हैं। उन्होंने पृथ्वी को जल से निकाल करके और जल के ऊपर स्थापित किया है। तो सबसे बड़ा तीर्थ और ये उनके शरीर त्याग की ये भूमि भी है, क्या कोई प्रमाण की बात नहीं? कौन सा वेद शास्त्र 12 भगवान से अपरिचित है? सारे वेद शास्त्र पुराण सब में कथा 12 भगवान को, 12 स्वयं एक पुराण भी है, स्वयं भी एक पुराण है। 18 पुराणों में एक पुराण 12 भगवान का वराह पुराण से भी विख्यात है। तो ये तो तीर्थ है ही, लेकिन तीर्थ का दर्जा इसको क्यों नहीं दिया जा रहा? इसे क्या सौतेला भाव है? छोटे छोटे जो है ना, वो भी तीर्थ घोषित हो गए हैं और ये प्राचीन तीर्थ है। अयोध्या, वृंदावन, ये तो बहुत बाद में तीर्थ बने हैं और ये तो शुरुआती का तीर्थ है, पहला तीर्थ है। अरे सतयुग की बात छोड़ दो बाबा, ऐसे कितने सतयुग निकल चुके, कितने त्रेता, कितने द्वापर निकल चुके। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आंख खोल करके कम से कम तीर्थों का सम्मान करें। और हम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मांग नहीं कर सकते, तो और लोगों को तो अधिकार ही फिर क्या है उनसे कहने का? हमने धर्म के लिए भाई वोट दिया है तो ये धर्म के लिए दिया है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।